So today we are going to conduct lecture number 14 of ray optics, and in the last 13 lectures we have already discussed reflection on plane surface, on curved surface, refraction at plane surface, at curved surface, and today we are going to start discussing about the lenses. Aaj hum lenses ke bare mein discuss karenge. Lenses are pretty common, even I am wearing the lenses, right? Maybe मैंने भी लेंसेस पहने हुए और लेंसेस के काफी सारे एप्लीकेशंस भी है. और एज यू कैन सी द हेडिंग ऑफ द लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेंस मेकर्स फॉर्मूला फर्स्ट. बट बिफोर आई गो फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला की तरफ जाने से पहले लेट मी अ लिटिल बिट रिवाइज द फॉर्मूला दैट वी हैव बीन यूजिंग फॉर द लास्ट 2-3 लेक्चर्स. एंड दैट इज formula for refraction at curved surface. Refraction at curved surface पे अपन ने एक formula use किया है, derive किया और उसको use किया, right? Derive किया और उसको use किया. क्या था वो formula? This. याद है? अगर ये u है, ये म्यू वन है, ये वी है, ये म्यू टू है, तो रिलेशन क्या आता है? म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर. यही आता है ना फॉर्मूला. तो यही फॉर्मूला यूज करके हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो लेंसेस के लिए यूज होता है. अब लेंसेस दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस, ठीक है? एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस. कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस. अब लेंसेस में क्या, दो साइड्स है ना. कॉनकेव लेंस ऐसा होगा, दोनों साइड उसकी मतलब ये कॉनकेव लेंस है आपका, ये दोनों साइड ऐसी है, इधर का रेडियस आर वन, इधर का रेडियस आर वन. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है ना वो अलग अलग होती है. और ये लेंस होगा ऐसा, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन, इधर आर टू. तो बेसिकली तुम लेंस जो बना रहे हो ना वो कैसे बना रहे हो, ये आपका स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, तो इसकी रेडियस कितनी है आर वन, इसकी रेडियस कितनी है आर टू. तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ये दिख रहा है इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये हो गया आपका लेंस, ओके? या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, दिस एंड दिस. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला के लेंस बनेगा. ये हो गया आपका लेंस. यहां पे इधर की रेडियस है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन, इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर टू. अभी हो सकता है कि एक साइड उसकी फ्लैट हो जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है. एक साइड फ्लैट है तो एक साइड की रेडियस कितनी है इंफिनिटी और दूसरी साइड की कुछ, इसको बोलते हैं प्लानो कॉनकेव लेंस. क्या बोलते हैं उसको? प्लानो कॉनकेव लेंस. और अगर ऐसा हुआ तो इसको बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस. प्लानो कॉन्वेक्स लेंस. ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड कॉनकेव है, एक साइड कॉन्वेक्स है, समथिंग लाइक दिस. ये हो जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. इधर की रेडियस आर वन है, इधर की रेडियस आर टू है. कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है? तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ लेंसेस है, लेकिन पहला अपना फोकस जो होगा वो इसी पे होगा, इस पे और इस पे. ओके, चलो भाई. राहुल इज सेइंग की सर यूट्यूब वर स्ट्रीमिंग चालू झालेली नाही आहे, पण मला तिथे दिसते बेटा स्ट्रीमिंग चालू झाली मागच्या 5 मिनिटापासून. ओके एवरीबडी पे अटेंशन, दोज हु आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब सेंड मी अ हाई फाइव. चलो अभी लेंसेस में ना, अभी जो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस
यूजुअली मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, देखो मैं यूज वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, यूजुअली नॉट ऑलवेज, यूजुअली ये कॉन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है ये? कॉन्वर्जिंग लेंस। यहां पे कॉन्वर्ज हो रहे, पैरेलल रेज जो है, पैरेलल रेज एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज होते हैं और उसको कहा जाता है फोकस। जहां पे कॉन्वर्ज होते हैं उसको फोकस कहा जाता है। और यूजुअली जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, यूजुअली नॉट ऑलवेज यूजुअली, वो ऐसा डाइवर्ज होता है उसमें। इसका मतलब ये पीछे एक्सटेंड करने के बाद कॉन्वर्जिंग का पॉइंट मिलेगा, ये आएगा आपका फोकस, ये आपके पैरेलल रेज है। ये आपका क्या, यहां पे हो रहा है कॉन्वर्ज, यहां पे होगा डाइवर्ज। यूजुअली कॉनकेव लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। यूजुअली नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। आप बोलोगे सर ऐसा क्या बोल रहे हो आप, ऐसा तो हमेशा होना चाहिए ना? नॉट हमेशा, इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ सिचुएशन। आप बोलोगे कौन से सिचुएशन पे, तो ये डिपेंड करता है कि ये मटेरियल आपने कौन सा यूज किया है, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, बाहर क्या है इसके, इसके बाहर एयर है कि वाटर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो भी मैटर करता है। कैसे? ऐसे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अब यहां पे जो साइन कन्वेंशन यूज होगा वो वही साइन कन्वेंशन यूज होगा जो अपन ने मिरर्स में डेवलप किया था। याद है मिरर में अपना साइन कन्वेंशन क्या था? कौन बताएगा मेरे को? दो रूल बताए थे मैंने साइन कन्वेंशन के, क्या थे दो रूल्स? यूट्यूब पे कौन, मुझे कोई तो भी मुझे बोल रहा है कि सर यस डोंगरी डोंगरी डोंगरी, अच्छा सॉरी, आई थिंक लेबलिंग चुकीची झाली आहे कॉन्वेक्स आणि कॉनकेव्हची। काय बात करतो, लेबलिंग चुकीची झाली आहे? अरे श्योर? अरे टमाट्या मी काय कन्फ्यूज झालो काय मिरर मध्ये? बरोबर अरे लेबलिंग थांब, अरे हो लेबलिंग चुकी झालेली आहे, लेबलिंग चुकी झालेली आहे, इकडचा कॉन्वेक्स लेन्स आहे। करेक्ट आहे, करेक्ट। अरे तुम्ही टमाट्यांना जे झूम वर बघताय तुम झोपले होते का? वेर यू स्लीपिंग फ्रॉम द लास्ट 5 मिनिट्स? ये कॉन्वेक्स लेंस है टमाटरो और ये कॉनकेव लेंस। यार मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज होता रहता हूं यार, मेरे को याद करना चाहिए था ये वाला फंडा, अपना जो फंडा अपन ने किया था ना कि ये अंदर जा रहे हो ऐसे केव, तो केव में जा रहे हो तो कॉनकेव हो जाएगा। सर अनम्यूट करा, बेटा अनम्यूट कराला मैं अलाउ केलेला आहे, यू कैन अनम्यूट युअर सेल्फ। हर्षिका, अच्छा आनंद, हाँ ओके। सो ये आ गया कॉन्वेक्स लेंस, ये आ गया कॉनकेव लेंस। ओके ओके, कॉनकेव मतलब केव, ऐसे अंदर जाना पड़ेगा, केव कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। ओके ओके, तो ये हो जाएगा प्लानो कॉन्वेक्स हो जाएगा ना, ये प्लानो कॉन्वेक्स और ये हो जाएगा प्लानो कॉनकेव। और एक कॉनकेव हो कॉन्वेक्स बोलो या कॉन्वेक्स हो कॉनकेव बोलो, एक ही मीनिंग हो जाता है उसका। ओके, यूजुअली जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉन्वर्जिंग लेंस होता है और यूजुअली जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। ओके, अब इसका साइन कन्वेंशन के दो ही रूल है जो मिरर में थे, वही रूल यूज होंगे यहाँ पे। दो रूल कौन से? पहला, ऑल मेजरमेंट्स आर फ्रॉम, ऑल मेजरमेंट्स, हाँ बेटा All measurements बोल, are, हाँ बोल 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 बोल, All measurements are made from pole, correct. And second, direction of incident rays is positive, positive. तो incident rays ची direction positive पाहिजे आणि सगळे measurement pole पासून करायचे। ओके चलो, अब देखो क्या करना पड़ेगा। मैं अभी इमेज फॉर्मेशन वगैरह वो सब बाद में करूंगा,
सबसे पहले अपन लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा शायद, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेकिन मैं अभी डिराइव करने जा रहा हूं, सो पे अटेंशन एवरीबॉडी। इमेजिन करो ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनेगी, तो ऐसे रेज जाएंगे यहां पे, पहले यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, राइट। और दूसरा जो रे वो तुम ऐसा ले लो सीधा, क्लियर कट स्ट्रेट, ऐसे ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, ओके। अब यहां पे आपकी इमेज बन रही है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो यहां से लेके यहां तक है यू, ठीक है, और जो आपका इमेज डिस्टेंस होगा ये होगा वी, एंड वी वॉन्ट अ रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, एफ इज द फोकल लेंथ, लेट अस से आपका फोकस जो है वो यहां पे फोकस, ये आपकी फोकल लेंथ है, वी वॉन्ट अ रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। अब मैं वो रिलेशन फाइंड करने जा रहा हूं, सो पे अटेंशन, मुझे बताओ सबसे पहले, फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज, जो पहला रिफ्रैक्शन हुआ है वो यहां पे हुआ ना, यहां पे, तो पहले रिफ्रैक्शन के बाद पहली इमेज तो यहां पे बननी चाहिए, लेकिन क्योंकि दूसरी बार भी रिफ्रैक्शन हुआ इधर ऐसे, इसलिए इमेज जो बनी वो यहां पे बनी, ये फाइनल इमेज है आपकी, आई टू इज द फाइनल इमेज, आई वन इज द इंटरमीडिएट इमेज। चलो मान के चलते कि वो जो इंटरमीडिएट इमेज है ना वो बनी है वी वन डिस्टेंस पे, सो कैन आई राइट फॉर रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, ये जो पहला सरफेस है वहां पे जो रिफ्रैक्शन होगा वो ऐसे होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे इधर या ऐसे इधर, ये इमेज बनेगी आई वन, दिस इज द यू एंड दिस इज वी वन, ये जो पहली इमेज बनी वी वन, यहां पे इधर होगा म्यू वन, म्यू वन ये बाहर क्या है एयर, और इसका मटेरियल कौन सा है, ग्लास है ऑब्वियसली, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, लेट अस से म्यू टू, इधर हो जाएगा म्यू टू, फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला क्या है, म्यू टू बाई वी, यहाँ पे वी वन आएगा, माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर बाय आर, तो ये रेडियस क्या है, ये रेडियस आएगी आर वन, लेफ्ट साइड की रेडियस जो कर्वेचर है वो क्या है आर वन, यह आ गया इक्वेशन नंबर वन। अभी दूसरा रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है, देखो दूसरा क्या क्या बेटा, बेटा मैं फिर से रिपीट करता हूं, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन बेटा, वो मुझे पहले पता कि वो लेंस में कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटा, दो बार हो रहा है, जब पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज कहां पे बनी, I1 पे, तो I1 का पोल से डिस्टेंस कितना है V1, तो मैं फॉर्मूले में V1 लिखूंगा या V लिखूंगा, वेरी गुड, तो अभी इसलिए मैंने फिर यहां पे V1 लिखा, केयरफुली डायग्राम को देख, और डायग्राम को देख के बता मैंने सही लिखा है क्या, करेक्ट है ना, तो पहला जो सरफेस था ये वाला सरफेस, तो पहले सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ उससे ये इमेज बनी, अब मैं बनाऊंगा दूसरे सरफेस का रिफ्रैक्शन, अब दूसरा सरफेस ऐसा है, ठीक है, और यहां से रे ऐसा रिफ्रैक्ट हो रहा है ऐसे यहां पे, और फाइनल इमेज यहां पे बन रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा यहां पे, क्योंकि अभी ये जो आई वन है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, I1 will act as a object for the हाँ virtual object की जैसा, तो अभी तुम्हारा जो U होगा वो V1 आएगा, और जो तुम्हारा V होगा वो ये आएगा V, और तुम जो radius of curvature use करोगे वो होगी R2, ठीक है, तो formula use करो फिर से, जो अपना refraction का formula है ना,
फॉर्मूला क्या है बताओ मेरे को, फॉर्मूला क्या है अपना रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू आर टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई कैपिटल आर। लेकिन मुझे बताओ रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है यहां पे? रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग फ्रॉम द ग्लास टू एयर ना, तो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अभी म्यू वन की जगह आएगा ना, और जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू टू की जगह आएगा, सेकंड वाले की जगह पे। ये आएगा अभी म्यू टू बाय सॉरी अभी यहाँ पे ये ऐसा होगा रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें, तो म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय वी वन इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय इसकी रेडियस कितनी है आर टू। हाँ बेटा तो रेज रेज कहां से आ रहे बेटा? रेज एक्चुअल में म्यू वन से आ रहे। ना ना बेटा नहीं म्यू टू से आ रहे रेज, नहीं म्यू टू देख वो देख रे किधर से आ रहे, ये देख ग्लास, ये रे देख ग्लास में से, ये देख ये ग्लास के अंदर है ना ये। हाँ तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम ग्लास टू एयर ना, यस सर, तो इसका मतलब एयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है ना फाइनल, तो मग त्याची व्हॅल्यू म्यू वन ना, पण त्याला आपण म्यू वन म्हणतोय ना, बरोबर येत का? अरे जर बरोबर आलं तर बरोबर। अरे टमाट्या मला सांग रिफ्रॅक्शन कुठून होतंय? ग्लास टू एअर, ठीक आहे, मला सांग ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय आहे? आपण काय घेतोय, आपण काय घेतोय? हा आपण उसको म्यू टू लिख रे, आपण उसको म्यू टू लिख रे, और एयर को क्या लिख रहे आपण? म्यू वन, ठीक है। तो इसका मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है वो पहले बाय वी, जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो बाद में बाय यू, लेकिन यू यहाँ पे वी वन आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर ना, इसकी रेडियस आर टू है तो नीचे आर टू, अरे तेच लिहिलंय बघ, चेक कर, तेच लिहिलंय, कळतंय का? ओके तेच आहे। आता हे दोन इक्वेशन आले, दोन इक्वेशन कोणते आले? रिफ्रॅक्शन ऍट कर्व सरफेस, ऍट द फर्स्ट कर्व सरफेस, ऍट द सेकंड कर्व सरफेस, दोघांना ऍड करायचं, दोघांना ऍड केल्याने काय होईल बघा, म्यू टू बाय व्ही वन, म्यू टू बाय व्ही वन कॅन्सल होईल, कारण इथे प्लस आहे इथे मायनस आहे, राहतं काय म्यू वन बाय व्ही आणि म्यू वन बाय यू, बघा आता राहतं काय, ऍडिंग टू इक्वेशन्स, ऍडिंग टू इक्वेशन्स, म्यू वन बाय व्ही, म्यू वन बाय व्ही मायनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू, दोघांना ऍड केलं ना याला आणि याला पण ऍड केलं, पहिलं आहे म्यू टू मायनस म्यू वन बाय आर वन आणि दुसरं आहे म्यू वन मायनस म्यू टू बाय आर टू, दोघांना ऍड केलेलं आहे, इथं म्यू वन कॉमन निघेल, वन बाय व्ही मायनस वन बाय यू, इथे म्यू टू मायनस म्यू वन बाय आर वन, इथे म्यू वन मायनस म्यू टू ना याला असेल मायनस म्यू टू मायनस म्यू वन, इथे मायनस कॉमन घेतला येऊन जाईल म्यू टू मायनस म्यू वन कॉमन, ब्रॅकेट में क्या बचेगा? वन बाय आर वन मायनस वन बाय आर टू, वन बाय व्ही मायनस वन बाय यू इंटू म्यू वन, तो अल्टिमेटली आंसर आएगा वन बाय व्ही मायनस वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू मायनस म्यू वन बाय म्यू वन इंटू वन बाय आर वन मायनस वन बाय आर टू, अल्टिमेटली क्या आएगा? वन बाय व्ही मायनस वन बाय यू इक्वल टू इन ब्रैकेट म्यू टू बाय म्यू वन मायनस वन इन ब्रैकेट वन बाय आर वन मायनस वन बाय आर टू, दिस इज द आंसर। दिस फॉर्मुला इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, समझे कि नहीं समझे? अब मुझे पता है कुछ लोगों के
कुछ लोगों का सर दर्द करने लग जाता है जैसे मैं डेरिवेशन शुरू कर देता हूँ, बट स्टिल समझ में आया क्या? लेंस मेकर्स फॉर्मूला, गॉट इट? यस सर, वेरी गुड। अभी ये लेंस मेकर्स फॉर्मूले में, लेंस मेकर्स फॉर्मूले में अगर लेटस से ये आपका लेंस है और अगर आपने यू की वैल्यू इंफिनिटी पुट की तो इमेज कहां पे बननी चाहिए? इमेज कहां पे बननी चाहिए यू अगर इंफिनिटी? फोकस पे बनना चाहिए, राइट? यस। तो फोकस पे इमेज बनेगी तो इसका मतलब वी क्या आएगा? फोकस ना। यस सर। सो व्हेन यू इज इक्वल टू इंफिनिटी वी इक्वल टू एफ, ये इसमें पुट करो, देखो क्या आता है, 1 बाय एफ माइनस 1 बाय इंफिनिटी इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 1 बाय इंफिनिटी इज 0, ये हो जाएगा 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। ये आपकी फोकल लेंथ आएगी लेंस की। हाँ बेटा, फॉर्मूला जनरलाइज नहीं करना पड़ा आपने? तू सांग, जनरलाइज करने की आवश्यकता आहे का? अल्टीमेटली फॉर्मूला आएगा 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। फॉर्मूला जनरलाइज करने की आवश्यकता आहे का? कौन क्यों लेंस असली का सांगतो मी तुला, हे बघ। आता मला सांग, इथे डेरिवेशन करताना जो आपण ओरिजिनल फॉर्म्युला वापरला, ओरिजिनल कोणता वापरला आपण? हा वापरला बेटा, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म्युला वी यूज्ड। यस। तो जो ओरिजिनल फॉर्म्युला आपण यूज किया वो ऑलरेडी जनरलाइज्ड है ना? जो ओरिजिनल फॉर्म्युला आपण यूज किया वो ऑलरेडी जनरलाइज्ड है। तो तुमने ऑलरेडी जनरलाइज्ड फॉर्मूला यूज किया तो तुमको फाइनली जो मिलेगा वो जनरल ही होगा ना। तुमने डेरिवेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज किया वो ऑलरेडी जनरलाइज्ड है, उसको वहां पर जनरलाइज करने, फिर से जनरलाइज करने की जरूरत नहीं ना। ओके okay? नहीं तो फिर वो डबल डबल हो जाएगा फिर साइन कन्वेंशन। ऑलरेडी तुमने जनरल ही फॉर्मूला यूज किया तो जो फाइनल आया वो भी जनरल ही है और ये सबको एप्लीकेबल है। और अगर तुम्हारा लेट अस से यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस नहीं लिया होता, कॉन्केव लेंस लिया होता तो सिर्फ डायग्राम अलग आती, डेरिवेशन यही रहता, डेरिवेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तू ही सोच ले, डेरिवेशन में तुझे लगता है कोई फर्क पड़ेगा? अगर लेटस से मैंने कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉन्केव लेंस ले लिया तो आई डोंट थिंक कुछ फर्क पड़ेगा, सिर्फ डायग्राम अलग होगी यहाँ पे, लेकिन जो फॉर्मूले जो मैंने लिखे है वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। आई डोंट थिंक फॉर्मूले में कुछ फर्क पड़ेगा। ओके सो एवरीबडी अंडरस्टूड लेंस मेकर्स फॉर्मूला? सबको समझ में आ गया? Everybody, all right? बोलो भाई, समझ लिहायचं आहे का बेटा? मला काय वाटतं सध्या फक्त फॉर्म्युला लिहून घे तू, डेरिवेशन तू नंतर, डेरिवेशन नंतर लिहून घे। ओके सध्या फॉर्म्युला महत्वाचा आहे। तर याच्यामध्ये जो फोकस फोकल लेंथचा जो फॉर्म्युला आला ना आपल्याकडे, तो फॉर्म्युला युज करून आपण बऱ्याच वेळेस तुम्हाला एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारतात, अलॉट ऑफ टाइम्स दे आस्क यू इन एक्झाम की फोकल लेंथ बताओ कितनी आहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आया, फोकल लेंथ 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। अब जब भी तुम फोकल लेंथ फाइंड करोगे तो तब तुम्हें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला डिराइव किया अपने ऑलरेडी जनरल फॉर्मूला है। सो व्हेन यू यूज दिस you have to put the values with sign convention। जैसे तुमको दे दिया let us say by convex lens। what is by convex lens? by convex lens मतलब जिसकी दोनों तरफ की रेडियस सेम होती है, by convex lens, ठीक है। और बाहर एयर है तो एयर है तो म्यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और म्यू टू जो होगा वो ग्लास का आएगा। तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू, तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, तो
फॉर्मूला होगा 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू टू इज म्यू, म्यू वन इज वन माइनस वन इन ब्रैकेट 1 बाय आर। आर वन क्या है? आर वन देखो कितना, आर वन पॉजिटिव है कि निगेटिव है बताओ मेरे को, एनी बडी? आर वन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? टमाटो पॉजिटिव है ना, इसकी सेंटर किधर है, राइट में है कि लेफ्ट में? रे इधर से आ रहे हैं, ऐसे वो पता नहीं। ओके, रे लेफ्ट टू राइट आ रहे, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, प्लस माइनस। अभी मुझे बताओ आर टू का क्या, आर टू निगेटिव हो जाएगा? आर टू को तुमने निगेटिव कर दिया तो माइनस आर लिखना पड़ेगा, वन बाय माइनस आर। सिंप्लीफाई करो इसको, ये क्या आएगा, म्यू माइनस वन इन ब्रैकेट वन बाय आर माइनस ऑफ माइनस प्लस वन बाय आर। वन बाय आर प्लस वन बाय आर इज टू बाय आर, ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस वन बाय आर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, आर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस वन। फोकल लेंथ ऑफ बाय कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस की ये फोकल लेंथ होती है। तो लेट अस से तुम्हारे पास एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का, सपोज म्यू इज इक्वल टू 3/2, और बाय कॉन्वेक्स लेंस की दोनों तरफ की रेडियस है 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या आएगी, 50 ही आएगी इसकी फोकल लेंथ। समझ रहे हो? ओके, तो ये हो गई फोकल लेंथ ऑफ बाय कॉन्वेक्स लेंस। क्या तुम सिमिलरली फोकल लेंथ ऑफ बाय कॉन्केव लेंस की निकाल सकते हो क्या? यस सर। चलो निकालो, तो फाइंड करो फोकल लेंथ ऑफ बाय कॉन्केव लेंस, मतलब दोनों तरफ की रेडियस सेम है, ये म्यू है और बाहर एयर है, इधर भी रेडियस आर है, इधर भी रेडियस आर है। फाइंड करो इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, लेट मी गिव यू 1 मिनट फॉर इट, आई थिंक यू कैन डू इट विद इन 1 मिनट, विद इन 30 सेकेंड्स एक्चुअली। फोकल लेंथ ऑफ बाय कॉन्केव लेंस सर, आर बाय टू म्यू टू माइनस म्यू माइनस वन, नेगेटिव नहीं है मतलब माइनस आर बाय टू म्यू माइनस वन है ना, वन बाय एफ इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन इन ब्रैकेट वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। तो यहां पे म्यू टू कितना है, म्यू, म्यू वन कितना है, वन माइनस वन इन ब्रैकेट वन बाय आर वन कितना है, देखो इसका सेंटर लेफ्ट में पहले वाले का माइनस आर, दूसरे वाले का राइट में तो प्लस आर, हो जाएगा म्यू माइनस वन माइनस टू बाय आर। इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, माइनस आर बाय टू इंटू म्यू माइनस वन, निगेटिव आएगी, देखो दिस इज बाय कॉन्केव लेंस। तो यू शुड बी एबल टू यूज द फॉर्मूला वेन एवर इट इज नेसेसरी। तो मैं चलो अभी आपको क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल्स एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सफिशियंट टाइम। तुमको सिर्फ ये करना है कि लेंस की ये फाइंड करनी है, फोकल लेंथ, ओनली फोकल लेंथ। ओके, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ फॉलोइंग लेंसेस। पहले इसकी फाइंड करो,
इधर 40 सेंटीमीटर है, इधर 20 सेंटीमीटर है, इसका म्यू 3/2 है, एयर में रखा हुआ है, इसकी फाइंड करो। इसका 50 सेंटीमीटर है, इसका 25 सेंटीमीटर है, म्यू दिया है 5/2, 5/2 थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी चलो। ये पहला है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एयर में रखा हुआ है, इसका फाइंड करो। ये R1 है, ये R2 है, इधर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, इधर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, बाहर एयर है। ये तीसरा क्वेश्चन है। चलो तीन क्वेश्चन दिए मैंने आप लोगों को, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 मिनट्स फॉर इट, लेकिन क्योंकि क्लॉक मेरे पास 1 मिनट की है तो मैं 2 बार लगाऊंगा उस क्लॉक। चलो फोकल लेंथ निकालनी है। सर फर्स्ट की 26.6। ओके, फर्स्ट का 26.6 प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है बेटा? इज इट प्लस और माइनस? क्योंकि अगर प्लस आएगा तो वो कॉन्वर्जिंग लेंस होगा और माइनस आएगा तो वो डाइवर्जिंग लेंस होगा, ये याद रखो। सर हाँ, फर्स्ट 80/3। ओके, मतलब वो 26 पॉइंट वही ना। सेकंड का माइनस 100/9 और थर्ड का माइनस 360। ओके, लेट अस सी। 1 मिनट के अंदर कर लिया तुमने भी, 1 मिनट क्या 40 सेकंड में कर लिया। पहले वाले में क्या होगा? 1/F = μ2/μ1 - 1 (R1 - 1/R2). म्यू टू कितना है? 3/2। म्यू वन कितना है? 1। माइनस वन, 1/R1। R1 कितना? 40। 40 पॉजिटिव आएगा। R2 कितना है? 20, लेकिन 20 निगेटिव आएगा क्योंकि इसका लेफ्ट में, ये राइट में, -20। करो इसको सॉल्व। 3/2 - 1 ((1/40) प्लस 1/20। 3/2 - 1 इज 1/2, और ये हो जाएगा 40। 1 + 2 = 3, 3/80। तो पहले का आंसर आएगा +80/3 cm। दिस इज द आंसर। ये पहले वाले की फोकल लेंथ है, ठीक है। फर्स्ट लेट अस सॉल्व सेकंड वन। सेकंड वाले में इधर 50 दिया, इधर 25 दिया, म्यू 5/2 दिया। 1/F = μ2/μ1 - R ((1/R1 - 1/R2)। तो ये है 5/2, ये है 1/R1 कितना है? 50। लेकिन 50 कौन से साइड में देख लो भाई? लेफ्ट साइड में है 50, सेंटर लेफ्ट साइड में, तो -50 लिखना पड़ेगा उसको। और R2 जो है वो राइट साइड में उसका सेंटर, तो वो 25 का प्लस 25 हो जाएगा। 5/2 - 1 कितना होगा? 3/2। और ये हो जाएगा नीचे 50 माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 3/2 × -3/50। राइट साइड में लेंस के राइट साइड में फोकल लेंथ है, मतलब कॉन्वर्जिंग लेंस है। और माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में फोकस है, मतलब डाइवर्जिंग लेंस है।
हाँ तो कॉन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, डाइवर्जिंग लेंस की नेगेटिव होती है, ठीक है ओके। अब तीसरे वाले का क्या आएगा, 1 by f equal to mu 2 by mu 1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. अब mu 2 कितना दिया यहाँ पे, 4 by 3 by 1 minus 1, r1 कितना दिया है? अब देखो दोनों की जो रेडियस है वो राइट साइड में, तो दोनों प्लस आएंगे, 40 और 30 दोनों प्लस आएंगे, 1 by 40 minus 1 by 30, यह जो कि 4 by 3 minus 1 is 1 by 3, okay? Yes. और यहाँ पे आएगा 40 चार त्रिक 12, 120, 3 minus 4, यह हो जाएगा minus 1 upon 360, इसकी focal length आती है minus 360 centimeter. तो कौन सा लेंस है ये, कॉन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग। ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये लेंस क्या डाइवर्जिंग, तो लेंस डाइवर्जिंग है कि कॉन्वर्जिंग है ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव फोकल लेंथ आ रही है कि नेगेटिव फोकल। अब इसमें ये भी मैटर करता है, देखो ये बाहर एयर थी ना, अगर बाहर एयर नहीं होती, बाहर अगर एयर नहीं होती, वाटर होता या कोई और लिक्विड होता, तो क्या ये आंसर सेम आते हमारे? नहीं ना। चलो चेक करते हैं, ये वाला एग्जांपल सॉल्व करो। नेक्स्ट, फाइंड फोकल लेंथ इन बोथ केसेस, ठीक है, ये है ये है, इसको ले लो 60 सेंटीमीटर, इधर ले लो 20 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और बाहर एयर है, ठीक है ओके। ये पहली सिचुएशन, यहां पे फोकल लेंथ फाइंड करो, और ये दूसरी सिचुएशन, लेकिन यहां पे अभी बाहर एयर नहीं है, बाहर वाटर है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3, तो दोनों केस में फोकल लेंथ क्या आएगी, फर्स्ट सेकंड। चलो चेक करके बताओ मेरे को, कैलकुलेट करके। फर्स्ट में 30 और सेकंड में 40 बाय, फर्स्ट में 30 सर। हाँ सर, फर्स्ट में 30 प्लस 30 ना, सेकंड हाँ, सेकंड प्लस 30, सेकंड में 40 बाय 3 प्लस प्लस की माइनस, प्लस प्लस ओके ओके ओके। बहुत जल्दी आंसर दे दिया तुम लोगों ने। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 1 by f equal to mu 2 by mu 1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2, यहाँ पे mu 2 कितना है, 3 by 2 upon 1 minus 1 in bracket, r1 होगा 60 लेकिन वो राइट में इसलिए प्लस 60, r2 होगा 20 क्योंकि लेकिन इसका लेफ्ट में सेंटर है, माइनस 20 हो जाएगा, 3 by 2 minus 1 is 1 by 2, 1 by 60 plus 1 by 20, तो नीचे 60 होगा 1 plus 3, ये हो जाएगा 3 plus 1 is 4, 4 by 120, तो 1 by 30 हो जाएगा, ये करेक्ट है, पहले में आएगा 30 सेंटीमीटर, दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में फोकल लेंथ हो जाएगी 1 by f equal to mu 2 by, मैं वैल्यू पुट करता हूँ सीधा फॉर्मूला लिखने की जगह, फॉर्मूला है अपने पास, यहाँ पे अभी mu 2 होगा 3 by 2, वो मटेरियल का होता है, ये होगा 4 by 3, क्योंकि बाहर वाटर है ना अभी, और यहाँ पे r1 तो 60 था तो ये 60 रहेगा, और r2 तो minus 1 by 20 है तो वो minus 1 by 20 आएगा, ठीक है, ये माइनस 20 है ना, तो माइनस 20 आएगा, सॉल्व करो अभी इसको, कितना था ये, 3 by 2 upon 4 by 3 is 9 by 8, 9 by 8 minus 1, now don't ask me कि सर तुमने कैसे किया ये, 9 by 8 कैसे आया,
दैट विल बी टू एम्बेरसिंग फॉर मी टू एक्सप्लेन. नीचे आएगा ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, जैसे यहाँ पे हुआ था नीचे 60 ऊपर 1 प्लस 3. 9 बाई 8 माइनस 1 इज 1 बाई 8 इन टू 4 बाई 60 1 बाई 120. अरे आंसर तो 120 आ रहा है सर, माइनस 1 करना भूल गए. तुम सब लोग माइनस 1 करना भूल गए. ऑल ऑफ यू ऐसा कैसे हो सकता है यार, सब लोग कैसे भूल गए? हाउ कैन एवरीबडी समझ रहे हो? तो इसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते. साइली क्या नहीं समझा बेटा, समझ में आ गया? साइली बताओ बेटा, जो नहीं समझ में आया वो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. आई एक्सप्लेन इट. दोज हु आर वॉचिंग, अच्छा मेरा राइट था सर. अच्छा तुम्हारा आंसर राइट आया था पहले. ओके तो बाहर कौन सा मीडियम है ये भी मैटर करता है. बाहर वाटर है या कोई और ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसीलिए तो मैं तुमको बोलता हूँ, जिन लोगों को चश्मा है ना उनको पता हो कि जब अपन पानी में जाते हैं ना तो चश्मे से ठीक से दिखाई नहीं देता. नोटिस किया तुम लोगों ने? जो जिन लोगों को चश्मा है उनको पता है कि पानी में जाते वक्त, पानी में जाने के बाद ठीक से दिखाई नहीं देता चश्मे से, क्योंकि इस चश्मे का जो नंबर है एयर में जो है वो है, पानी में अलग होगा ना, पानी में अलग होगा है कि नहीं? और नहीं एक्चुअली पानी में अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वो मिलते हो लेंसेस, हाँ गॉगल्स मिलते हैं, वो स्विमर्स वगैरह जो पहनते हैं ना वो अपन बनवा के ले सकते हैं. ओके बारिश में दिक्कत, वो बारिश की दिक्कत तो अलग है बेटा, बारिश की दिक्कत तो पानी जम जाता वो अलग है. ये कौन है? गैलेक्सी A30 बेटा, गैलेक्सी A30 जो भी है ना, पहले नाम बताओ फिर मैं डाउट एक्सप्लेन करूंगा, मैं वैसे नहीं करूंगा बेटा. फर्स्ट यू हैव टू टेल मी योर नेम. हाँ बेटा, हाँ नाव का है बेटा, नाव तो सांग वाला. अपूर्वा. अच्छा अपूर्वा बेटा, साइन कन्व्हेन्शन सिंपल आहे बघ, मला सांगितलं तुला कन्फ्युजन कुठे होत आहे, तुला प्लस मायनस कळत नाही का की हे कसं घ्यायचं? बेटा इकडे रेडियस असली तर आता ही प्लस येईल का मायनस येईल मला सांग. हा असंच ठरवायचं बेटा, जसं तू आता म्हणला ना हे प्लस येईल कारण राईटला आली, आणि याची याच सेंटर कुठे बेटा? लेफ्टला आहे ना, मग आता याची रेडियस काय? हा नेगेटिव्ह, असंच ठरवलेलं आहे. ओके ओके तो हर्षिका जास्मी सर पानी में कौन स्पेक्स पहनेगा सर? अरे पानी में क्यों नहीं पहनेगा, पानी के अंदर कुछ देखना है तो, अगर स्कूबा डाइविंग वगैरह कुछ करेंगे तो फिर, और स्विमिंग करते वक्त अगर, क्या बात कर रहे हो, पानी में क्यों नहीं देखेंगे भाई? जिसको स्पेक्स है वो देखने, उसको देखना मना है क्या पानी में? लेकिन तुम्हें वो नंबर के स्पेक्स पहनने पड़ेंगे जिसकी पानी में फोकल लेंथ वो है जो तुम्हारे आंखों का नंबर है उस हिसाब से, समझ रहे हो? अब देखो ये जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ से ही हम पावर डिसाइड करते हैं, पावर ऑफ द लेंस जो होती है ना वो होती है 1 by f, where f is in meter, meter में होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं. अगर सेंटीमीटर में लिया तो फिर ऐसा आना चाहिए 100 by f, where f is in सेंटीमीटर. वो तो डिपेंड करेगा ना कॉन्वर्जिंग के डाइवर्जिंग है, अगर कॉन्वर्जिंग होगा तो प्लस, डाइवर्जिंग होगा तो माइनस है कि नहीं? कॉन्वर्जिंग लेंस होगा तो प्लस, कॉन्वर्जिंग लेंस के लिए पावर होती है पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए पावर होती है निगेटिव.
तो अगर तुम्हारा निगेटिव नंबर का चश्मा है, मतलब पावर निगेटिव है चश्मे की, इसका मतलब तुम्हारा जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है जो चश्मा तुम पहन रहे हो, और डाइवर्जिंग लेंस यूजुअली जब दूर का नहीं दिखता है ना तब पहना जाता है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को वही दिक्कत होती है, मुझे भी वही है, दूर का नहीं दिखाई देता ठीक से। कॉन्वर्जिंग लेंस जो है ना वो तब इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव पावर, जब तुम्हें नजदीक का नहीं दिखाई देता, जब नजदीक का नहीं दिखाई देता तब तुमको पॉजिटिव पावर चाहिए, समझ रहे हो? ओके, तो अब अगर लेटेस्ट से ये वाली फोकल लेंथ ले दो 30, तो इसका पावर कितना आ जाएगा, 100 बाय 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में तब 100 लेने का ऊपर, ये हो जाएगा 100 बाय 30, मतलब कितना हो जाएगा ये 10 बाय 3 ना, 3.33, और इसका यूनिट होता है डायोप्टर, यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंसेस इज डायोप्टर, कैपिटल डी डायोप्टर, समझ रहे हो क्या? That is the unit of the power of lenses. Okay, and lenses की power medium पे depend करती है, medium पे, मतलब बाहर अगर air में है तो lens की power अलग आएगी, water में जाओगे तो lens की power अलग आएगी, और किसी और transparent medium में जाओगे तो lens की power और अलग आएगी। सारंग बोल रहा है सर power मंजे lens का context मध्ये काय असेल, लेंस पावर का मीनिंग मतलब तुम यू समझ लो कि देखो जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर आएगी ना, और जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर आएगी, तो कम फोकल लेंथ मतलब जैसे इमेजिन करो अब इन दोनों में से किसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, ये वाले लेंस की, ये वाली, ये वाला लेंस ऐसा है और ये दूसरा लेंस ऐसा है, इसका फोकस बहुत दूर है और इसका फोकस बहुत नजदीक है, किसकी पावर ज्यादा है भाई? इसकी पावर, सेकंड की पावर ज्यादा है ना, सेकंड की पावर ज्यादा, तो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ना, तो सेकंड की पावर ज्यादा है मतलब वो ज्यादा कॉन्वर्ज कर रहा है ना, बहुत नजदीक कॉन्वर्ज कर रहा है, बहुत पास में कॉन्वर्ज कर रहा है, देखो बहुत नजदीक कॉन्वर्ज कर रहा है ना, और ये बहुत दूर कॉन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है, समझ रहे हो? बहुत दूर कॉन्वर्ज करेगा पावर कम होगी, बहुत नजदीक कॉन्वर्ज करेगा पावर ज्यादा होगी, बहुत पावरफुल लेंस है ना वो, एक बहुत जल्दी कॉन्वर्ज कर रहा है। हाँ बेटा, माइनस डाइवर्जिंग लेंस साठी माइनस, डाइवर्जिंग हाँ बेटा, मिरर साठी पावर नसती का, कोणासाठी मिरर हाँ, मिरर के लिए भी पावर डिफाइन करते हैं, मिरर के लिए भी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल, लेकिन मिरर में क्या होगा, मिरर में निगेटिव माइनस आ जाएगा, मिरर में माइनस आ जाएगा क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, नहीं जीरो नहीं, मैं एक स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं, he is talking about spherical mirror, plane mirror की obviously zero आएगी, plane mirror में तो zero आएगा ना, इसका focus infinity पे, नहीं नहीं इसका focal कितना आएगा, इसका focus power is 1/f ना, mirror में 1/f हो जाएगा, मतलब f होता है r/2, तो 2/r हो जाएगा, ये mirror की power है। अब जब तुम दो लेंसेस, मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस वगैरह, मुझे लगता है ये सब बाद में देखना चाहिए, अभी मैं जा रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस पे, लेकिन मैंने टाइम देख लिया, 2:05 हो गए, तो डेफिनेटली आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर होगा, आज काफी कुछ कवर किया। सर म्हणजे आपण ज्या लेंस ने पेपर बर्न करतो त्याची पावर मॅक्स असते, मॅक्स नाही जास्त असते, टमाटे जितना फोकस फोकल लेंथ कम आएगी उतनी पावर ज्यादा आएगी। चलो आज यहीं पे रुकेंगे, tomorrow we'll continue, tomorrow we'll study combination of lenses and combination of lenses ke sath sath fir baad mein apan dekhenge images due to lenses, fir magnification wagera sab dekhna hai aur sab pe questions karne, probably agle 2-3 lecture to lagenge pura lenses ke bare mein cover karne ke liye, okay,
So do not miss the next 2-3 lectures if you want to learn everything about lenses. आज का lecture properly revise करो, formula derive करो, ठीक है, notes निकालो properly, okay? हाँ, कोई कुछ बोल रहा था अभी, हाँ, जो YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए good day, stay safe and stay indoor. मैं YouTube पे अभी streaming stop कर रहा हूँ, जो Zoom पे देख रहे हैं वो मेरे साथ अभी बात कर सकते हैं. चलो. Sir. Yes. Sir, the semiconductor.